मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। कांग्रेसियों ने किया सिंधिया जी का पुतला दहन। टीकमगढ़ स्थानीय हवेली रोड पर स्थित कान्हा पैलेस कार्यालय के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला महामंत्री संजू यादव ने हमारे संवाददाता महबूब खान को बताया कि आज हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के कांग्रेसी छोड़कर भाजपा में जाने के विरोध में उनका पुतला दहन किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से महबूब खान की रिपोर्ट। हाँ सर, बताएं आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर। मैं संजू यादव, पूर्व कांग्रेस जिला महामंत्री हूँ। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया हम सभी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का जिस गद्दारी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज धोखा दिया, आज मध्य प्रदेश के लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को धोखा दे के आज भाजपा में शामिल, क्योंकि उनके परिवार में लिखा है कि धोखा देना। आज हम सभी उनका पुतला दहन कर रहे हैं। आज हम सभी यहाँ से संदेश देना चाहते हैं टीकमगढ़ कांग्रेस से कि हम ऐसे गद्दारों को कभी माफ नहीं कहेंगे। सिंधिया मुर्दाबाद, सिंधिया मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।